हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाइल्ड फॉर स्टडी स्टूडियोज विशेष अपार्टमेंट अकेडमी। तो क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? क्या मैं दिख रहा हूं बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही होगी तो बिल्कुल जरा थंब दिखाना सर, बिल्कुल आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। क्योंकि आ रही है ना, चलो उम्मीद करते हैं आ रही होगी मेरी आवाज। चलिए शुरुआत करें आज। जैसा कि कई सारे बच्चे कहते सर क्या इस क्लास में जो साइंस होता था वो नहीं होगा, तो मैंने क्या कहा था भाई, मैंने कहा एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे, सबकी जो शेड्यूल है वो सब अलग अलग है। और 4:30 से 5:30 एक घंटे में हम लोग क्या देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ रही है ना मेरी आवाज? अच्छा गया तक आ रही है, ओके ओके ओके। अब देखो समझना, तो मंडे को हम लोगों ने हिस्ट्री देखा, पॉलिटी देखा, फिर ज्योग्राफी देखा, आज है थर्सडे और आज विज्ञान के बारे। तो आज आपको 40+ अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल रैपिड फायर में, क्योंकि अब टाइम आपके पास भी कम है और भाई मेरे पास तो टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल तय रखा है कि मुझे कहाँ कहाँ पढ़ानी है, उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ जहां जिस सब्जेक्ट में कमी आ रही हो आपको। अगर मैथ में तो मैथ वाली टाइमिंग, क्योंकि कई सारे मैथ वाले सर अब देखोगे कई सारे टाइमिंग लगा रखे हैं, तो वैसे जीएस हमने लगा रखा है, वैसे रीजनिंग की टाइमिंग है, तो आप अपने हिसाब से टाइम को सूट कर लो कि भाई मुझे कहाँ क्या पढ़नी है। सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, फिर आप 10 बजे देख लो 40 में 40 देखते हैं, फिर 5:35 पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो कई सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है चलो देखते हैं। तो देखो भाई स्टैटिक जीके शुरू हो गया भैया ये 12 दिसंबर से, तो ज्वाइन किए हो तो याद रखना टाइमिंग इसके 11 बजे है और करंट अफेयर शुरू हो रहा है 13 दिसंबर से। कब से भाई? 13 तारीख से, याद रखना। ठीक है, और ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ऑल एग्जाम सुबह 8 बजे अनअकैडमी पे, और 5:35 PM की बात करें तो ये करंट अफेयर्स जहां 1000+ सवालों की बात करते हैं, 1000+ सवालों की बात करते हैं बिल्कुल। ठीक है, सवाल नंबर 1 कहता है कि विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को कवर करता है? सीमेंटम, पल्प, डेंटिन, इनेमल। सवाल नंबर 1 जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी बता भाई क्या होगा भाई। सीमेंटम दांत की जड़ की बात करता है, ऊपर वाली कवर नहीं। अगर बात करते कवर की तो हम बात करते इनेमल का, जो कब सबसे कठोर परत है, सबसे कठोर परत है हमारे दांत की इनेमल, सबसे कठोर परत है हमारे दांत की इनेमल। तो क्या होगा, क्या कहा, दांत की जड़ की बात की, जो आपका दांत है वो बिल्कुल जड़ से बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, यानी तो ये सीमेंटम होगा। क्या होगा? सीमेंटम होगा, बिल्कुल याद रखना। यानी सीमेंटम एक विशेष कैल्सिफाइड पदार्थ है। क्या ये कैल्सिफाइड सब्सटेंसेज है जो दांत की जड़ को कवर करता है, मजबूती प्रदान करता है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है बच्चे, आ रही बातें समझ में? देखो ठीक है, जो इनेमल है भाई वो दांत के मुकुट को कवर करती है, दांत के कवर को कवर करती है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, सवाल नंबर 2 कहता है किस रासायनिक नियम का प्रस्ताव है कि शीतल पेय और सोडा की बोतलें CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उच्च दबाव में सील की जाती है? राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ओथम का नियम या डाल्टन का नियम? सवाल नंबर 2 जल्दी, क्या होगा भाई? हेनरी का नियम क्या कहता है कि जितने भी सोडा बोतलें हैं या जितने भी शीतल पेय है सब क्या होता है, CO2 होता है उसमें, CO2 तो होता है, तो CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उच्च दबाव में सील की जाती है। किसने कहा? हेनरी का नियम। किसने कहा? हेनरी का नियम, यानी तरल में गैस की घुलनशीलता, तरल में, आखिर लिक्विड तो है जो आप पीते हो कोला, वो लिक्विड,
CO2 गैस, गैस की घुलनशीलता सीधे गैस के दबाव के समानुपाती होता है, और शीतल पेय में CO2 की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। किसमें? हाई प्रेशर पे। इसीलिए जब आप बोतल को खोलते हो तो देखते हो नहीं कितनी तेजी से उबाल मारता है, और अगर थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हैं तो पता चलता है भैया पैसा लगाए और सारा का सारा कोला कौन पी गई? धरती माता पी गई। कौन पी गई? धरती माता। मतलब क्या हो गया कि भाई बोतल का जो था, बोतल से सारा कोला निकल कर नीचे गिरा और आधा बचा, इतना बचा मात्र, ये हाल है। ठीक है, किस धातु में शुद्ध रूप से सबसे अधिक गलनांक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड। सवाल नंबर 3, जल्दी 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 भाई। आनंद सिंह को बराबर प्रॉब्लम होता है साउंड को, बेटा ठेपी उपी लगा के रखी हो क्या? और किसी को साउंड को तो दिक्कत ना है, और किसी को साउंड का दिक्कत तो ना है आनंद सिंह के अलावा? भाई क्या होगा? टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन है, 3500 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन यूज करते हैं, लेकिन एक बल्ब का जो सेल्सियस डिग्री होगा वो कितना? 2000 से लेकर 2500 तक, 2000 से लेकर 2500 तक बल्ब का, याद रखना टंगस्टन। ठीक है, भारत में टंगस्टन कहां मिलता है? तो एकमात्र ऐसा माइंस भारत में जहां से टंगस्टन की प्राप्ति होती है, डिगाना माइंस। डिगाना माइंस कहां? राजस्थान। कहां भाई? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल याद रखना। देखो छोटू जी, नो प्रॉब्लम। सच्ची बताना भाई, साउंड को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? अब देखो साउंड सही है, अब सही है साउंड। अब सही है, देखो शुद्ध रूप से सभी धातुओं में से सही है ना? चलो तो सभी धातुओं में से टंगस्टन में उच्चतम गलनांक है, यानी 3500 डिग्री। अगर फारेनहाइट की बात करें तो लगभग 6200 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है बच्चे, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ती है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ती है, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जल्दी, सवाल नंबर 4, जल्दी जल्दी। भाई उसे कहते हैं अंधनाल। क्या कहेंगे? अंधनाल कहेंगे। आप ये देख सकते हो जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अंधनाल। शब्द सीकम लैटिन सीकस से आता है जिसका अर्थ होता है अंधा। अगर आप देखो कल सवाल मैंने कराया था, आपको याद होगा कि ये रेक्टम है। रेक्टम मतलब क्या हो गया भाई? जहां पे रेक्टम है, रेक्टम समझ रहे हो किसे कहते हैं? कि जहां पे भोजन अंतिम रूप से, कैसा भोजन? तो अनपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड जमा होता है लास्ट में। अपेंडिक्स कई बार पूछा गया कि अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या कहेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में आपके अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। कौन से देखने मिलते हैं? अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं बड़ी आंत में, बिल्कुल याद रखना बड़ी आंत में।
ठीक है, तो याद रखना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़ी देर के लिए जमा होता है वो रेक्टम में, और कहां से निकलता है, एनस के जरिए निकल जाता है। कहां? एनस के जरिए निकल जाता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो यह इलियम से काइम को प्राप्त करता है। काइम क्या है कि पचा हुआ भोजन, जो पेट में पचा हुआ भोजन है उसे हम काइम कहते हैं। कई बार पूछा गया सवाल कि जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन अमाशय में हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो यह इलियम, इलियम क्या है भाई कि छोटी आंत, तीन भागों में डिवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा हिस्सा उसे हम इलियम कहते हैं। तो इलियम से काइम प्राप्त करता है और बड़ी आंत में जोड़ता है, बड़ी आंत से जोड़ता है कोलोन के जरिए। ठीक है बच्चे, बड़ी आंत से जोड़ता है कोलोन के जरिए। ठीक है, आगे देखो। अगर मैं नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट सवाल की बात करूं, समझना कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, खाद्य संरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, कुकिंग ऑयल्स, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। जल्दी भाई, जो करंट अफेयर्स की जो क्लास की बात करते हो ना मेरे लाल, 5:35 PM 5:35 PM पे आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जहां पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कहता बायोकेमिकल कंपाउंड्स का हम यूज कहां कर सकते हैं। भाई बायोकेमिकल का यूज नहीं करते हैं, अपनी त्वचा को सुंदर बनाने में, अपनी त्वचा को सुंदर बनाने में, बोरोप्लस, बोरोलीन, बात समझ रहे हो। इसके अलावा खाद्य संरक्षक के रूप में भी, अचार मुरब्बा और कुकिंग ऑयल के रूप में भी, देखते नहीं अपनी त्वचा को सुंदर बनाने में हम क्या यूज करते हैं, त्वचा उपचार में, है ना। आगे देखो, पौधे के जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सवाल नंबर 6। जल्दी कपिल जी, क्लास के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल, 4:30 से 5:30 वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, सुबह 8 बजे अनअकैडमी, 10:05 पर सुबह अनअकैडमी, और 5:35 PM इवनिंग अनअकैडमी। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो। कहता पौधों के जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है भाई, तो ये टेरिडोफाइटा, किससे संबंधित है, ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना। ये देख सकते हो कि एग्जांपल क्या होगा, फर्न, लाइकोपोड्स, लाइकोफाइटा, ये सब किसके एग्जांपल है, फर्न के एग्जांपल है। तो टेरिडोफाइटा क्या है, एक संवहनी पौधा है जो बीजाणुओं को फैला के रखता है। ठीक है, ना तो इसमें फूल होंगे ना ही बीज होगा, उन्हें कभी कभी क्रिप्टोगैमी कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में जनरेट करता है, स्रावित होता है, जल्दी। उस अम्ल का नाम बताना है जो पेट में स्रावित होता है। तो भाई पेट से क्या होता है, तो आपको पता है कि जो अमाशय है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन, और पेप्सिन, तीन प्रकार के जो अम्ल है, एसिड है, वो जनरेट करता है एंजाइम। तो एक एंजाइम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेनिन का काम क्या है कि मिल्क को पचाना, और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को, ये प्रोटीन को तोड़ना। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं रेनिन की मात्रा कम निकलती है, इसीलिए कहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको दूध कम दिया करो, ना तो बेचारे किसके शिकार हो जाएंगे, डिसेंट्री के, लूज मोशन के शिकार हो जाएंगे, है ना। आगे देखो, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइपेज और पेप्सिन का एक अनूठा संयोजन है, अनूठा संयोजन है, बिल्कुल याद रखना। एक सवाल आता आगे कि जीरो पथालमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ए बी सी एंड डी, जल्दी। सवाल नंबर 8, पेप्टोन में, क्या बात है पार्थ, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी भाई, क्या होगा कि जीरो पथालमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ए, विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को कैरोटीन भी कहते हैं। क्यों कैरोटीन बोलते हैं, क्योंकि गाजर, कैरोट इसका
सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। तो जीरोपथाल्मिया या कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस जो भी होगा सब विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा, ठीक है। तो स्थानिक क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी, जीरोपथाल्मिया, पता है क्या होता है बच्चे कि जीरोपथाल्मिया जिसमें से जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड है ना, आंसू ग्रंथि, वो ड्राई हो जाता है, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, आंख से आंसू गिरेंगे ही नहीं, आंख से आंसू गिरेगा ही नहीं, है ना। आगे देखो, कौन सा एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, थिक बार्क, मोटी छाल, स्मॉल रूट्स, छोटी जड़ें, लॉन्ग लीफ, लंबी पत्ती, या संचित बीज, सवाल नंबर 9, जल्दी। कोयल जी एसएससी सीएचएसएल के लिए बच्चे सुबह 8 बजे जुड़ा करो अनअकैडमी पे, ठीक है। तो कौन एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, संचित बीज, क्या होगा, संचित बीज, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया टिंकू, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। देखो एंजियोस्पर्म क्या है भैया, कि गैर फूलों वाले पौधों की तुलना में बहुत छोटे मादा प्रजनन अंग होते हैं जिससे वे अधिक तेजी से बीज का उत्पादन कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो होता है बच्चे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म नेकेड बीज होता है और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, बीज होगा कवर के अंदर, जिसे मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन कहते हैं, ठीक है। साबुन की संरचना बताना आपको, तेल द कंपोजिशन ऑफ सॉप, साबुन की संरचना क्या होगा, फैटी एसिड के साथ सोडियम लवण, फैटी एसिड के साथ पोटेशियम लवण, बोथ, या सोडियम और पोटेशियम लवण रसायनों के साथ मिश्रित। तो साबुन की संरचना की बात करें, क्या पाए जाएंगे साबुन में, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, दोनों सोडियम के सॉल्ट भी और पोटेशियम सॉल्ट दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा बच्चे। आगे देखो, तो साबुन पानी में घुलनशील सोडियम या फैटी एसिड के पोटेशियम लवण है, एक मजबूत क्षार के साथ रासायनिक रूप से उपचार करके तेल और उनके फैटी एसिड से साबुन बनाया जाता है। तो क्या पाया जाएगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों लवण है, सोडियम के लवण और पोटेशियम के लवण। डिमेंशिया कैसे होता है, रक्त संक्रमण के कारण, अमाशय में संक्रमण, एचआईवी संक्रमण, या कैल्शियम की कमी। तो डिमेंशिया मतलब क्या है, हमारी याददाश्त उड़ जाती है, भूल जाते हैं बिल्कुल, आप कौन, पहचान कौन, आप कौन, ये कहानी होता है। तो क्या होगा भाई, एचआईवी इंफेक्शन होगा, एचआईवी संक्रमण के कारण, किसके कारण, एचआईवी संक्रमण के कारण डिमेंशिया होता है। अब ये देख सकते हो बेचारे की दिमाग उड़ती जा रही है बिल्कुल। तो डिमेंशिया सिर में चोट, एक स्ट्रोक, एक ब्रेन ट्यूमर, या एचआईवी संक्रमण के कारण हो सकता है, एचआईवी संक्रमण के कारण हो सकता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है बच्चे। तो मनोभ्रंश मानसिक क्षमता में गिरावट आती है और ये आपके डे टू डे लाइफ में प्रभाव डालता है, क्योंकि डेली का काम में भूल जाएंगे, हमें जाना था कहीं, चले जाएंगे कहीं, आना था अपने घर, चले गए शर्मा जी के घर, कहानी नहीं है, गंगा कहां से निकलती है, तो सर शर्मा जी यहां निकलती है, वर्मा की यहां जाती है, तो वही हाल आपका हो जाएगा भाई, जाना है ऑफिस, चले गए घर, तो ये स्थिति है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने नाम को भी भूल जाता है, भैया नाम मत भूलना। किस अंग को परमाणु बम कहते हैं, माइक्रोट्यूबल्स, स्प्लीन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, परमाणु बम किसे कहेंगे, जल्दी, परमाणु बम किसे कहेंगे भैया, परमाणु बम की बात करें, इनमें से कोई नहीं, किसे कहेंगे परमाणु बम, बताओ। ये तो हो गया आपका पावर हाउस, ये तो हो गया आपका पावर हाउस, ये हमारा ब्लड बैंक है, ये हमारा ब्लड बैंक, ये सेल का पावर हाउस, ये ब्लड बैंक। तो क्या होगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या परमाणु बम कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक एंजाइम है, वो एंजाइम क्या होता है भैया, ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट एंजाइम क्या होता है, फूटता है, फटता है, तो फिर क्या होता है, सेल, वो लाइसोसोम पूरा सेल को डैमेज कर देता है, किसे कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे, किसे कहेंगे, लाइसोसोम को कहेंगे, बिल्कुल याद रखना।
तो लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने किया? डी डुबे ने किया है, इसीलिए 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना। ठीक है, एक हैंड सैनिटाइजर में कम से कम कितने परसेंट अल्कोहल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक हैंड सैनिटाइजर में कितने परसेंट अल्कोहल होने चाहिए? 30%, 40%, 50% या 60%? जल्दी क्या होगा भाई? 60% अल्कोहल होने चाहिए, 60% अल्कोहल होने चाहिए हैंड सैनिटाइजर में। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार 60% अल्कोहल होनी चाहिए, बिल्कुल याद रखना। तो WHO ने सैनिटाइजर की सिफारिश की जिसमें 60-70% अल्कोहल जरूरी है। और अल्कोहल क्या है भाई? इथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H6O के साथ एक अल्कोहल है, शराब है। ठीक है, अल्कोहल में क्या क्या संयोजन हो सकते हैं आप ये भी देख सकते हो कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इथेनॉल या एनप्रोपेनॉल के कुछ संयोजन होते हैं। ठीक है बच्चे, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? हम लोग ये याद रखते हैं सर, भोपाल गैस त्रासदी, लेकिन विशाखापट्टनम में भी गैस त्रासदी हुआ था, आपको याद होगा कोरोना काल में, कोरोना काल तो अभी भी है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, अस्टायरिन गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? सवाल नंबर 14, जल्दी। क्या होगा भाई? देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करिए, भोपाल, भोपाल गैस ट्रेजडी जो 2-3 दिसंबर को 1984 को देखने को मिला था। तो स्टायरिन गैस था, क्या था ये? स्टायरिन गैस था। क्या था? स्टायरिन गैस था, बिल्कुल याद रखना। तो विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। और स्टायरिन गैस क्या है? स्टायरिन गैस क्या है? श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? C6H5CH। ठीक है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया या कौन बैरोमीटर के आविष्कार से जुड़ा है? एडविन हब्बल, इवेंजेलिस्टा टोरिकेली, विलियम गैस कोगिन या एलडी फॉरेस्ट? सवाल नंबर 15, जल्दी। मई 2020, क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। क्या भाई? तो बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है, मापता है, तो इवेंजेलिस्टा टोरिकेली, किसने किया है? इवेंजेलिस्टा टोरिकेली ने इसका आविष्कार किया है। ठीक है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिसन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जॉनसन इफेक्ट? सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, 7 मई को हुआ था, बहुत बढ़िया स्वीटी जी, क्या बात है भाई। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर काम करता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, बिल्कुल याद रखना। तो क्वार्ट्ज घड़ी या घड़ी के अंदर जो बैटरी है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से क्वार्ट्ज क्रिस्टल को विद्युत भेजती है, सिग्नल भेजता है। और इस सिग्नल जो प्रत्येक सेकेंड में कितने पर काम करता है ये देखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है प्रत्येक सेकेंड में 32,768 बार सटीक आवृत्ति होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो काम करती है, देखते हो वाइब्रेट करता है ये आगे और पीछे। ठीक है, तो यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। डेविड ह्यूजेस ने क्या आविष्कार किया है? मशीन गन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, मोटरसाइकिल? सवाल नंबर 20, जल्दी। तो डेविड ह्यूजेस ने क्या आविष्कार किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किया, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अच्छा जरा बताओ कमेंट बॉक्स में माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप
का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो पहली व्यवहारिक स्व संचालित मशीन गन का आविष्कार 1884 में सर हीराम मैक्सिम ने किया था। आप पूछो कि सर मशीन गन किसने किया, तो मशीन गन का आविष्कार सर हीराम मैक्सिम ने किया। किसने किया? सर हीराम मैक्सिम ने किया। लिवेनहॉक बिल्कुल गलत, लिवेनहॉक बिल्कुल गलत। भार्गवी स्वीटी का भी, संजीव का भी गलत। नॉल एंड रुस्का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नॉल एंड रुस्का ने किया, बिल्कुल याद रखना। मैंने इलेक्ट्रॉनिक पूछा इसीलिए, इलेक्ट्रॉनिक पूछा इसीलिए, ठीक है। और डेमलर पेट्रोलियम रिविजोन राइडिंग कार का आविष्कार, और डेमलर को अक्सर इस आविष्कार के लिए मोटरसाइकिल का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। रेडियन प्रति सेकेंड किसकी एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इनर्सिया, फ्रीक्वेंसी, एंगल वेलोसिटी। सवाल नंबर 21, जल्दी तो रेडियन प्रति सेकंड की एसआई इकाई मात्रक क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल वेलोसिटी, कोणीय वेग। क्या भाई? कोणीय वेग। रेडियन प्रति सेकंड घूर्णन गति की एसआई मात्रक है, जिसे आमतौर पर हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे? डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की, पोलोनियम तत्व की खोज किसके द्वारा की गई, हेनरी बैकरेल, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी या जैकब बर्जेलियस। तो पोलोनियम तत्व की खोज आपको पता है कि मैरी क्यूरी ने की है। पोलोनियम और रेडियम, पोलोनियम और रेडियम दोनों की खोज मैरी क्यूरी ने की है। दोनों की खोज किसने किया? मैरी क्यूरी ने किया, बिल्कुल याद रखना। दोनों की खोज मैरी क्यूरी ने किया। अब जरा बता कमेंट बॉक्स में कि बर्जेलियस ने क्या किया, बर्जेलियस ने किसकी खोज की है, बर्जेलियस ने किसकी खोज की है, जल्दी। मैरी क्यूरी अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने पति पियरे क्यूरी और भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल के साथ फिजिक्स में 1903 का नोबेल, केमिस्ट्री में 1911 का नोबेल पुरस्कार जीता है। मैरी क्यूरी दो तत्व के लिए, पोलोनियम और रेडियम की खोज की है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या बात है, द्विनाम पद्धति, ना 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 ना, ब्रिजेलियस उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की खोज किसकी खोज, उत्प्रेरक की, कैटलिस्ट की खोज, ठीक है। देखो ब्रिजेलियस की बात करें, परमाणु भार, रासायनिक संकेतन, अलगाव, सिलिकॉन, सेलेनियम, थोरियम, सेरियम, आवर सारणी तत्वों की खोज के लिए जाना जाता है। ये आपके सामने देख लो, सिलिकॉन भी होगा भाई, उत्प्रेरक होगा, सिलिकॉन भी होगा, बिल्कुल याद रखना। कितने ज्यादा है आप देख सकते हो बर्जेलिय साहब का योगदान, कितना योगदान आपके सामने है। लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होंगी, विजिबल लाइट, एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। सवाल नंबर 23, जल्दी 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 क्या होगा भाई, इंफ्रारेड, यानी लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट तो पता ही है हमारे लिए हार्मफुल है भाई, स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, कौन, अल्ट्रावायलेट, क्लियर है। गाय का दूध किसका एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, बी टू, विटामिन ई, विटामिन के। सवाल नंबर 24,
क्या होगा? विटामिन B2 का समृद्ध स्रोत माना जाता है। विटामिन सी पाया जाता है क्या? कभी नहीं। आई बात समझ में? याद रखना, विटामिन सी और आयरन की कमी होता है। अगर विटामिन सी और आयरन होता तो मिल्क कंप्लीट फूड माना जाता, कंप्लीट फूड माना जाता, कंप्लीट फूड माना जाता। तो विटामिन सी नहीं होता है, लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कंप्लीट फूड नहीं मानते हैं, कंप्लीट फूड नहीं मानते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अच्छा जरा बताओ बच्चे, विटामिन ई का रिच सोर्सेस, रिच सोर्सेस यानी विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? जल्दी, अभी तक किसी का जवाब नहीं। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल, याद रखना। तो गाय का दूध मानव आहार में विशेष रूप से बायोटीन B7, राइबोफ्लेविन B2, कोबालामीन B12 का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने लोहे के एक दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 25, अंटार्कटिका में, कहां अंटार्कटिका? ये वाला पोर्शन में, अर्थ में सबसे नीचे। तो हाल ही में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के बर्फ में लोहे के एक रेयर आइसोटॉप दुर्लभ समस्थानिक Fe60 के कण मिले हैं। माना जाता है इसका उत्पन्न कैसे हुआ होगा? पास के सुपरनोवा से ये उत्पन्न हुए हैं, पास के सुपरनोवा से ये उत्पन्न हुए, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की है? नासा, इसरो, ईएसए, सीएनएसए। सवाल नंबर 26, जल्दी क्या होगा भाई? नासा किसने किया है? नासा ने किया है। कहता है नई खोज को एक्सोप्लैनेट के रूप में जानते हैं, नई खोज को एक्सोप्लैनेट के रूप में जानते हैं, या मूल रूप से एक प्लैनेट है जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक तारा की परिक्रमा करता है। जैसे हमारा पृथ्वी भी तारा की परिक्रमा करता है, किसका? सूर्य का। तो वैसे ही यह भी एक प्लैनेट है जो किसी तारा का एक परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष खोज के लिए समर्पित 22 सदस्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है, 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके? यूरोपियन स्पेस की बात करते हैं, इसका मुख्यालय पेरिस है। और चीन का जो एजेंसी का नाम क्या है भाई? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1993 में बीजिंग मुख्यालय। सबसे कम तापमान को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर। जल्दी, भाई ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, CNSA चाइना बता दिया, सारा बता दिया आपको। तो क्या होगा भाई? सबसे कम तापमान को इंडिकेट करने के लिए हम जो थर्मामीटर का यूज करते हैं वो अल्कोहल थर्मामीटर है। खुद सोचो, अल्कोहल फ्रिज में रखते हैं, जमता है क्या? नहीं जमता है ना, तभी तो हम यूज करते हैं, तभी तो यूज करते हैं अल्कोहल थर्मामीटर को, ठीक है। तो अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग दैनिक न्यूनतम तापमान -35 डिग्री -35 डिग्री फारेनहाइट से नीचे इंगित करने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। कपड़े और बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट्स, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 28, देखो सुरेश ठाकुर अभी आया, हाय स्वीटी जी, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, बताओ।
ना हाई हेलो लगे हैं, पढ़ लो बेटा, मैं तो रेलवे बाय ऐसे करेगा रेलवे, पढ़ना है नहीं, ये कोई जवाब ना दिखेगा। सल्फोनेट्स क्या होगा? सल्फोनेट्स तो कपड़े और बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में क्या पाए जाते हैं? सल्फोनेट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल याद रखना। तो सल्फोनेट एक डिटर्जेंट है जिसका इस्तेमाल कपड़े और बर्तन की सफाई के लिए करते हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, टू बी कंटिन्यू, भागना नहीं अभी। हाँ देखो, दो मिनट्स ब्रेक फॉर कॉफी। अच्छा सुनील जी, कॉफी पियोगे? बेटा सिलेक्शन ले लो, पक्का मेरी गारंटी है कि मैं अपने स्टूडियो में अपने साथ पूरे इंडिया को दिखाऊंगा कि यही सुनील जी हैं जिनको कॉफी चाहिए। बिल्कुल भैया सिलेक्शन लेके आए हैं, सीबीटी 2 यानी फाइनल सिलेक्शन ले लो, ये हमारी गारंटी है, आने जाने का सारा कुछ हमारा। ठीक है, देखो सवाल नंबर 29 क्या कहता भाई, कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द रॉक्स, कि चट्टानों और खनिजों में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद तत्व क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 29, जल्दी क्या होगा भाई? सिलिकॉन। क्यों सिलिकॉन? सिलिका बालू है ना, सबसे ज्यादा पाया जाएगा हमारा ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा ये क्या है? सॉलिड, ठोस के रूप में अगर पूछता है तो सिलिकॉन सबसे आसानी से उपलब्ध सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक जो चट्टानों और खनिजों में बड़ी मात्रा में पाया जाएगा। सेमीकंडक्टर के बारे में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर हैं। लोकेश जी दोनों सेमीकंडक्टर हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, गुर्दे में पत्थरी वाले व्यक्ति को किससे बचने की सलाह दी जाती है? लेमन, विनेगर, टोमेटो या मसूर, लेंटिल। सवाल नंबर 30, जल्दी भाई। देखो गुर्दे में पथरी वाले व्यक्ति को टमाटर खाने की सलाह नहीं दी जाती है, बचने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि टोमेटो में क्या होता है भाई? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। और बच्चे ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, जो पथरी है, स्टोन है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट है। तो जब कैल्शियम ऑक्जिलेट है, इसीलिए उन्हें टमाटर, उन्हें पालक नहीं खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, इसलिए याद रखना क्या होगा? टमाटर से दूर रहो भैया, लाइकोपीन कलर लाल। अब आपके लिए होमवर्क है कि विनेगर कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड है क्या? अगर एसिटिक एसिड है तो बिल्कुल थंब दिखाना सर, बिल्कुल एसिटिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सिलेट और कैल्शियम जो गुर्दे तक पहुंचने से पहले पाचन तंत्र में एक साथ बॉन्ड करते हैं, बंधते हैं, इसीलिए यदि हम एक ही समय में उच्च ऑक्सिलेट खाद्य पदार्थ और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो पथरी के लिए ये बहुत कठिन है, बिल्कुल याद रखना। ओके आ जाओ। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण में कौन से पोषक तत्व तो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। सवाल नंबर 31, जल्दी। पालक में भी, बिल्कुल अमरजीत, पालक में भी है। वाह 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 माइकल, लव एप्पल याद है, बहुत बढ़िया। देखो तो खाद प्रसंस्करण और भंडारण में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है यह विटामिन है। खाना गर्म करते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? बेचारे विटामिन को होता है। किसको होता है? विटामिन नष्ट करता है, याद रखना। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? स्टर्नम, उरोस्थी, परगंडिका या ह्यूमेरस या पेरिकार्डियम, कार्डियम या टीबिया। सवाल नंबर 32,
जल्दी क्या होगा भाई? ये कहां, ये हड्डी नहीं है भाई, ये क्या है? ये हमारे जो हट हैं उस पर एक लेयर है, उस पर एक लेयर है, याद रखना ठीक है। जबकि उरोस्थि, ह्यूमेरस, टीबिया, ये पांव की हड्डी है। तो ये देखो, पेरिकार्डियम एक पतली थैली है जो हमारे हृदय को घेरी रहती है, दिख रहा है ये हल्का हल्का दिख रहा है कबर जैसा, और ये हमारे हृदय की रक्षा करता है, इसे चिकना करता है और इसे हमारे छाती के भीतर सुरक्षित रखता है ना। उरोस्थि क्या है भैया? ये देख रहे हो, जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, हम आपके छाती, हमारे छाती के बीच में ये रिब को कनेक्ट करता है, रिब को जोड़े रखता है ठीक है, रिब को, या उपास्थि के माध्यम से पसलियों से जुड़ता है। और ह्यूमेरस क्या है? तो ऊपरी बाह में ह्यूमेरस, ऊपरी बाह यहां पे इस पोर्शन पे ह्यूमेरस है, इस पोर्शन पे ह्यूमेरस है, बिल्कुल याद रखना ठीक है। और कोहनी में या मुख्य रूप से उल्ना से जुड़ता है, क्योंकि रेडियल हड्डी कलाई से जुड़ती है, ये आप देख सकते हो, ये वाले देख रहे हो, ये देख रहे हो। कौन एक अच्छा परमाणु ईंधन माना जाएगा? यूरेनियम 238, नेप्टूनियम 239, थोरियम 236, प्लूटोनियम 239। सवाल नंबर 33। क्या बात है विकास जी, हृदय को बचाता है, बहुत बढ़िया। जल्दी भाई क्या होगा? प्लूटोनियम 239 सबसे अच्छा परमाणु ईंधन, और आपको याद होगा यही प्लूटोनियम है जो बेचारा जापान पर यूएसए ने बमबारी किया था 6 अगस्त एंड 9th of August 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी, याद रखना ठीक है। तो प्लूटोनियम 239 प्लूटोनियम का एक आइसोटॉप, प्लूटोनियम 239 परमाणु हथियारों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्राथमिक विखंडनीय आइसोटॉप है ठीक है, याद रखना। एक सामान्य मनुष्य में पूर्ण अवशोषण के लिए आंत के अंत तक पहुंचने में भोजन को कितना समय लगता है, यानी फाइनली पचने के लिए पूर्ण रूपेण हमने ग्रहण किया, पूरा प्रोसेस होने में कितने घंटे का समय लगेगा? 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, क्या होगा? सवाल नंबर 34, 34 क्या होगा भाई? 12 घंटे, 4 घंटे तो हमारे स्टमक में रहता है, 4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है, अमाशय में रहता है, और 4 घंटे के बाद यह अमाशय से वो दूर होता है। तो फाइनली पचने के लिए से 12 घंटे। अगर पूछता कि हमारे अमाशय में कितने देर रहता है ये, जहां HCl, रेनिन और पेप्सिन तीनों मिलकर काम करेंगे, तब हम कहते 4 आवर। क्या कहते? 4 आवर्स कहते, 4 घंटे कहते। क्या कहते? 4 घंटे कहते, बिल्कुल याद रखना ठीक है। तो एक सामान्य मानव में भोजन को पुनः अवशोषण के लिए आंत के अंत तक पहुंचने में लगभग 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं ठीक है। ये देखो, हम यहां से क्या करते हैं, माउथ से सबसे पहले खाया, यानी भोजन पचने की क्रिया कहां शुरू हो जाती है? माउथ से। क्यों? सिलेवरी ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है उसमें, और ये जो एसोफेगस है, फूड पाइप, इससे हमारा भोजन पचता नहीं है, इसमें पचता नहीं है। इसके बाद 5 प्रोसेस होता है भाई, स्टमक से तब जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली पचेगा, ना पचेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और ये आयनस के जरिए हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। हाँ राजकमल जी, क्लास डेली चलती है भाई। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने और ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ हीलियम परमाणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन, संलयन, इंप्लोजन या ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतर। सवाल नंबर 35। जल्दी क्या होगा? फ्यूजन। क्यों फ्यूजन होगा? कहा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने
ये नहीं कहा कि एक हाइड्रोजन टूटने, दो या दो से अधिक जब न्यूक्लियाई मिलेंगे तब उसे हम फ्यूजन कहेंगे, जैसे हाइड्रोजन फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसका सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसका सोर्सेस है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणुओं एक साथ मिलकर फ्यूज होकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य को छोड़कर प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, पोल स्टार, यूरोपा, सवाल नंबर 36 क्या होगा, जल्दी क्या होगा भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक सूर्य के अलावा, सूर्य तो है ही, यानी पृथ्वी के नजदीक अगर सूरज गुस्सा हो जाएगा तो काम चला लेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, नहीं ये तो है, हाँ और क्या, ना भाई ना, हमारा सूर्य ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की खोज 1915 में रॉबर्ट इनेस ने की थी, याद रखना, जो सूर्य के निकट का सबसे तारा है। और अगर यूरोपा की बात करें तो ये सैटेलाइट है किसका, ये जुपिटर का सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का या बृहस्पति का, किसका है, बृहस्पति का या जुपिटर का, याद रखना, ठीक है। द रोटेशन पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर, पृथ्वी के घूर्णन काल से अधिक, पृथ्वी के घूर्णन काल से कम, ऑल ऑफ दीज, ये सभी सवाल नंबर 37, जल्दी। क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी रोटेशन पीरियड है, तभी तो वह काम करेगा। एक भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 या 35,785 किलोमीटर की एक गोलाकार कक्षा है, जिसमें एक उपग्रह की कक्षीय अवधि पृथ्वी के घूर्णन की बराबर अवधि के बराबर है, बराबर है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देख सकते हो, ये ऑर्बिट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, बिल्कुल। दूरी कितनी, तो 35,780 लगभग 36,000 किलोमीटर, किलोमीटर है ना। तो इस कक्षा में एक अंतरिक्षयान पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को आकाश में स्थिर दिखाई देता है। पाचक रस जिसमें एंजाइम की कमी होती है लेकिन पाचन में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन, HCl, काइम, पीत, सवाल नंबर 38। क्या होगा, क्या बोला, देखो पाचक रस एंजाइम की कमी, अब फाइब्रिनोजेन तो पाचक रस है नहीं, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, HCl खुद एक एंजाइम है लेकिन कहा एंजाइम की कमी, तब आप लोग HCl लगाओगे, देखना लगाओगे HCl, आप लोग सवाल पढ़ोगे नहीं, यार HCl लगा दोगे धाएं धाएं, भैया बाइल है, बाइल जो लीवर में बनता है और बाइल जूस कहां गॉल ब्लैडर में जाकर सुरक्षित रहता है, जमा रहता है, याद रखना। तो पीत यकृत द्वारा निकलेगा और पित्ताशय में जमा होगा, एक तरल पदार्थ जिसमें एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और बिलिरुबिन में समृद्ध है, ठीक है। एंजाइम की कमी होती है लेकिन वसा का उपापचय करता है, बिल्कुल याद रखना, वसा का उपापचय करता है, ये आप याद रख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली जो पीएच डक्ट बाइल का होता है वो 7.5 से लेकर 8 के बीच, लेकिन गॉल ब्लैडर की थैली का जो पीएच मान है वो 8 से कम है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। मानव जीव पर मीठे स्वाद कलिकाएं होती हैं कहां, जीभ की नोक पर, जीभ का किनारा, जीभ का केंद्र, जीभ का पिछला भाग, सवाल नंबर 39, जल्दी भाई। मानव जीव पर मीठे स्वाद कलिकाएं कहां होंगी, जीभ की नोक पर, हल्का सा जीभ बाहर निकालते मीठा का एहसास कर लेते हैं। तो मानव जीव पर कड़वा स्वाद कहां, जीव का पिछला भाग, जीव का पिछला भाग। मानव जीव पर खट्टा स्वाद, जीव के किनारे भाग। अब ये देखो
जीभ का किनारा भाग है ये खट्टा है, पिछला भाग कड़वा है और सॉल्टी एंड स्वीट आगे का भाग देख ली है ना। छिपकली और पक्षियों के मलमूत्र में मौजूद सफेद घटक क्या होते हैं? यूरिक एसिड, यूरिया, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 40, जल्दी। क्या होगा भाई? छिपकली और पक्षियों के मलमूत्र में यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। देख रहे हो ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखता है, ये यूरिक एसिड होता है, याद रखना। तो शरीर में नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट जहरीले पदार्थ हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, उसे बाहर निकलेगा। तो हम लोग में क्या होता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन पक्षी, रेप्टाइल्स और कुछ जो पशु पक्षी हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, बिल्कुल याद रखना। चमगादड़ द्वारा किया जाने वाला परागण क्या कहलाता है? कितनी बार रिपीट किए हैं, लास्ट चांस समझो, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चमगादड़ द्वारा किए जाने वाला परागण को हम चिरोप्ट्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरोप्ट्रोफिली कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। ये आपके लिए पूरा लिस्ट कई बार दिए हैं, फिर से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, भूलना मत। जूफिली जंतुओं द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा, चिरोप्ट्रोफिली चमगादड़ द्वारा, एंटोमोफिली कीटों द्वारा, वायु द्वारा एनिमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, घोंगे द्वारा मेलिकोफिली। ये आपके सामने पूरा पूरा लिस्ट है। रजनोवृत्ति मेनोपॉज किस उम्र के बीच देखने को मिलता है? 12 से 18, 40 से 45, 30 से 35, 45 से 50। तो मेनोपॉज की बात करें, रजनोवृत्ति की बात करें, तो 45 से 50 के बीच हमें देखने को मिलता है। जबकि प्यूब्रिक एज की बात करें भारत में, तो 12 वर्ष प्यूब्रिटी माना जाता है, प्यूब्रिक एज माना जाता है, बिल्कुल याद रखना। 45 से 50 को हम मेनोपॉज एज बोलते हैं, ठीक है। तो रजनोवृत्ति एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। रजनोवृत्ति वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक महिला मासिक धर्म को बंद कर देता है, उसे हम रजनोवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है, याद रखना। यह जीवन का एक समान हिस्सा है। पुराने समय में लोग इसे बीमारी मानते थे। एक मूवी आई थी पैडमैन, सैल्यूट है ऐसे मूवी को, जो समाज को जगाने का काम करता है ना, तो वो दिखाया गया उस मूवी में क्या है क्या नहीं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आरएच फैक्टर ऑफ द पेरेंट्स, ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर, क्रोमोजोम ऑफ द फादर या क्रोमोजोम ऑफ द मदर। तो जेंडर कौन डिटरमाइन करेगा भाई? पापा करेंगे, कौन करेगा? मेल करेगा, यानी क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर, पिता के गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि पिता, आपको याद होगा, जो मेल है वो एक्स और वाई, जबकि फीमेल की बात करें तो ये एक्स और एक्स, एक्स और एक्स ये दोनों, तो डॉक्टर भैया एक्स और वाई ये दोनों, तो क्या होगा? ये सन, यानी ये बॉय और ये गर्ल की कहानी है, ये गर्ल की कहानी है ना। मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा जो कुनैन है, एक पौधे से प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से दवा मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है वो, स्टेम बार्क, फ्रूट लिप्स या रूट। तो क्या ये? तने की छाल। किससे? छाल, तने की छाल, सिनकोना की छाल। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना के छाल से प्राप्त करते हैं। किससे? सिनकोना के छाल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये कुनैन सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना बच्चे। मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान कितने तत्वों से बना है? 5, 6, 11 या 20। तो मानव शरीर का लगभग 99% मास द्रव्यमान कितने 6 प्रकार के तत्वों से बना है। 5 तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो 6 कौन कौन है? अब ये देखो कि मानव शरीर के लिए 11 तत्व आवश्यक है, लेकिन 6 कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। तो 99% द्रव्यमान 6 तत्वों से बना है। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये मुख्य रूप से 6 हैं, याद रखना। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस किस रूप में मिलती है हमें? सॉल्यूशन, गैसियस, लिक्विड या सॉलिड। तो क्या होगा भाई? लिक्विड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
क्या है वो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलपीजी ठीक है। क्या वो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, याद रखना ठीक है बच्चे। देखो ये रिपीट है ना, हाँ ये रिपीट है, पढ़ा चुके हैं कि चट्टान और खनिज में सबसे बड़ी मात्रा में सिलिकॉन पाई जाती है। ड्यूटेरियम की खोज किसने की? रदरफोर्ड, कैवेंडिश, यूरे या कोई नहीं। तो ड्यूटेरियम की खोज किसके द्वारा की गई? यूरे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? यूरे के द्वारा की गई, बिल्कुल याद रखना ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन मजा आया होगा बिल्कुल। अभी क्लास आपकी भाई 5:35 पे, 5:35 पीएम पे अनकेडमी पे करंट अफेयर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा चीजें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना। अगर इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ अनकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो एसएससी एग्जाम में मेरी कोर्स आ रहे हैं हिस्ट्री, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो बच्चे ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका क्या करना है? अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसे ओपन करना, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना, 6 डिजिट ओटीपी से वेरीफाई करवाना, लाइक करके जाना अगर सेशन मजा आया होगा तो सीख के ठीक है। आगे देखो, अपना गोल सेलेक्ट करना, एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम, जो भी आपका गोल हो। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो फी देख रहे हो 5,000-6,000 दो साल की भाई, CBT 1, CBT 2, ग्रुप डी। रेलवे की अगर बात करें तो, और अगर एसएससी की बात करें जिसके प्राइस हाइक होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी हमारे साथ रेफरल कोड बाबा10 लगाकर। स्पेशल क्लास लेने के लिए भी आपको रेफरल कोड यूज करना होगा बाबा10, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ ठीक है बच्चे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, फिर मिलते हैं फिर से नए समय में, यानी जो आपका टाइम है 4:30, तब तक के लिए शुक्रिया।